मौजूदा जमाना में टेलीविजन पर कुछ मुबल्लिगों ने ये कहने की कोशिश की कि दरहकीकत हजरत ईसा मसीह सलीब पर नहीं मरे थे। क्या ये सच हो सकता है? आइए तहकीक के जरिए पता चलाते हैं कि क्या वाकई कुरान मजीद हजरत ईसा मसीह की मसलूबियत का इनकार करता है। सिर्फ एक इक्तबास में मसलूबियत का जिक्र मिलता है। इस मामले पर सिर्फ एक इक्तबास ही इसका जिक्र करता है। सूरत निसा की आयत 157 में लिखा है कि वो, यहाँ यहूदियों की बात हो रही है, फख्र से कहते हैं, देखिए वो किस चीज के बारे में फख्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह, जो खुदा के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और ना उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई। ये आयत कहती है वो यानी यहूदी जो फख्र कर रहे थे, उन्होंने उसे नहीं मारा था। इससे ये मुराद नहीं कि वो मरा नहीं था। जरा अपने आप से पूछिए, 6000 से जायद आयात में से क्यों सिर्फ एक ही इक्तबास है कुरान मजीद में मसलूबियत जैसे मौजू पर? एक ही इक्तबास में इनकार क्यों पाया जाता है? अगर इनकार ही मकसद था, हमें पता चलता है कि ये बात दर हकीकत इंजील शरीफ से मिलती जुलती है कि यहूदियों ने ईसा मसीह को मसलूब नहीं किया था। मजीद ये कि वो अपनी शेखी में, जैसे कि हम देखते हैं इंजील शरीफ में, कामयाब ना हो सके हजरत ईसा मसीह के मिशन को नाकाम बनाने में। हम इस जिम में सिर्फ एक हवाले को नहीं ले सकते, जो एक वाहिद इक्तबास है, कि उसे इस यकीन से पढ़ें कि कोई सलीब नहीं थी और जनाब मसीह उस पर मसलूब नहीं हुए थे। इस हवाले की पहली बात, वो यहूदी नहीं थे जिन्होंने उन्हें मसलूब किया, ये तारीखी एतबार से एक हकीकत है। दूसरी बात ये कि यह हमें वाजे तौर पर नहीं बताता कि मसलूबियत नहीं हुई थी। तीसरी बात, ये शक व शुबे और कयास की बुनियाद पर बताता है। और चौथी बात कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऊपर उठा लिया। सूरह मरियम की आयत नंबर 33 देखिए, जो बताती है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम हो। यह आयत उनकी मौत का जिक्र करती है। ये कब हुआ, वो कौन सा जमाना था? चंद दीगर आयात भी हैं जो साबित करती हैं इन वाकयात को। मिसाल के तौर पर सूरह मादा की आयत 117 देखें, और मैं ईसा कलाम करते हुए जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। लिहाजा जमाने के एतबार से कुरान मजीद गवाही देता है, जब तक मैं उनमें रहा। अब इस फिक्रे तूने मुझे उठा लिया का मतलब क्या है? अरबी में तर्जुमा बहुत वाजे है, तवफ़ैतनी का आसान मानी है, तूने मुझे मरने दिया, मैं मरा। जब हम ऐसे शख्स की बात करते हैं जो मर चुका है, तो कहते हैं तवफ़ुक, जिसका मतलब है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी, यानी वो मर चुका है। बहुत से तफसीर करने वालों ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचे कि इससे पहले कि हजरत ईसा मसीह आसमान पर अल्लाह ताला के पास उठाए गए, और इंजील शरीफ तस्दीक करती है कि यह मौत मसलूबियत के जरिए आई। इसलिए हम देखते हैं कि इस्लाम में बहुत से इस बात को जान गए हैं कि हजरत ईसा मसीह की मौत वाकई हुई थी, चूंकि इस जिम में कोई शक और कयास नहीं। अब अगर कोई समझना ही ना चाहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुरान मजीद हमें बताता है कि क्या करना है। कुरान मजीद बताता है कि अगर कोई शक शुबा हो, मिसाल के तौर पर सूरह यूनुस में पैगंबर इस्लाम को यह हिदायत की गई है, अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो, तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। चूंकि इस मामले का जिक्र इंजील शरीफ में है और जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो हुजूर पाक से पहले थी, यानी कि इंजील शरीफ नया अहदनामा, जहां हमें बार बार बताया गया है कि हां, ईसा मसीह की मौत वाकई हुई थी। वो कब मरा था, क्यों मरा था, किस तरह मरा था, उसके मरने के बाद क्या हुआ, ये गवाही काफी है। मुसलमान होने के नाते मुझे सारी जिंदगी ये सिखाया गया था कि हजरत ईसा मसीह सलीब पर नहीं मरे थे, जिसकी बुनियाद चौथी सूरतुल निसा की 157 आयत के तर्जमा पर है। लेकिन जब मैंने तारीख में से ये तहकीक की और मामले की सच्चाई को जाना, तो ये बात बगैर किसी तजाद के सामने आई कि हजरत ईसा मसीह सलीब पर मरे थे।
اس کے بعد میں نے قرآن کی وہ وضاحت قبول نہ کی، میں نے اس کی کچھ متبادل وضاحتیں کی، اور میرے لیے جو بات ثبوت کے طور پر درست تھی وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ المسیح واقعی صلیب پر مرے تھے۔